सीएसके की बल्लेबाजी के 18th ओवर में विराट कोहली और शिवम दुबे के बीच मामला काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का हो गया, जिसके बाद फाफ डुप्लेसी और अंपायर्स को बीच में आकर इस पूरे मैटर को सॉल्व करना पड़ा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के पहले और एक रोमांचक मुकाबले की, जहां आरसीबी के दिए गए 174 रन के टारगेट को सीएसके की टीम ने रचिन रविंद्र, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की शानदार पारियों के दम पर छेज करके इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। लेकिन इन सब के बीच जब सीएसके की बैटिंग के 18th ओवर में जब अनुज रावत ने बॉल डेड होने के बाद बॉल को अलजारी जोसेफ की ओर थ्रो किया, तब बॉल स्टंप पर लगकर बाउंड्री की ओर चली गई, जिसके बाद शिवम दुबे ने एक रन भी ले लिया। लेकिन विराट कोहली और के प्लेयर्स को शिवम दुबे की ये हरकत पसंद नहीं आई और फिर विराट कोहली शिवम दुबे के साथ काफी ज्यादा गुस्से में बात करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन फिर अंपायर बीच में आ गए और इस बॉल को डेड डिक्लेयर करके मामले को शांत करवा दिया। दोस्तों, इस मैच में आरसीबी की हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कमेंट करके बताइए।